जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनीव्यू एप्लीकेशन एक लोन एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड है और एनबीएफसी पार्टनर है। ठीक है, तो अभी क्या है 2023 में सभी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ अपडेट तो हुए हैं। ठीक है, भले थोड़ा सा अपडेट मारा हो एप्लीकेशन वालों ने, बट 2023 में अपडेट जरूर किया है। ठीक है, तो मनीव्यू ऐप के अंदर जिस अपडेट के बारे में हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि शायद ये अपडेट मनीव्यू के अंदर आ जाए तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, और मनीव्यू ने हमारे जो दिल की आवाज़ है वो सुन ली है और मनीव्यू ने वही किया जो हम वर्षों से चाहते थे कि मनीव्यू के अंदर ये फीचर्स अगर आ गया तो सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मनीव्यू एप्लीकेशन का जो नया अपडेट है वो कौन सा है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर हम मनीव्यू एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर मैंने एक लोन क्लोज कर दिया है पूरा रीपेमेंट करके। मनीव्यू की तरफ से मैं इस टाइम दो लोन ले चुका हूँ। जब हमने फर्स्ट टाइम लिया था लोन वो था 5,000 रुपये का 3 मंथ की ईएमआई के साथ में। फिर हमने सेकंड लोन लिया 10,000 का जिसमें 9,230 रुपये बैंक में डिस्बर्ड हुआ था और 1,846 की हमारी ईएमआई थी 6 मंथ के लिए, ये भी हमने रीपेमेंट कर दिया। ओके फ्रेंड, अब इसके बाद अब मनीव्यू एप्लीकेशन जो है नया अपडेट लाई है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम 3 डॉट पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको दिखेगा हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर जैसे क्लिक करते थे तो यहाँ पर दोस्तों ये वाले पेज नहीं आते थे। ठीक है, अभी मनीव्यू में ये वाले पेज आ रहे हैं और यहाँ पर हम अब मैं आपको बता दूं कि मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों आप जो है यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वन कंडीशन है मेरे भाई, अगर आप ये दोनों जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन दोनों पे आपको पैन कार्ड देना होगा। ठीक है, पैन कार्ड बेसिक पे ही ये चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो मनीव्यू में यही सबसे अच्छा फीचर्स आ गया है इस टाइम कि आप मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। और ये कब कर सकते हो, जब करोगे जब आपका लोन एक्टिवेट हो, विदाउट जहाँ पर लोन एक्टिवेट नहीं है और आप अगर इसको चेंज करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। अभी तो क्या है कि मेरा लोन क्लोज है तो मैं तो नहीं चेक इसको जो है मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, और जैसे मेरा लोन एक्टिवेट हो जाएगा मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ लोन को, ये नंबरों को। ठीक है, तो मनीव्यू में ये सबसे बड़ा फीचर्स आया है कि आप अपने प्रोफाइल्स का जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।